नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सबका स्वागत करती हूँ और नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। और इस नए साल के स्वागत के लिए मैं आपको एक मीठी रेसिपी दिखाने वाली हूँ, वो है गाजर का हलवा। एक कढ़ाई में लेते हैं एक टेबलस्पून देसी घी, घी पिघल चुका है। अब हम इसमें डालते हैं आधा किलो बारीक कसा हुआ गाजर, यानी कि लगभग 5 से 6 गाजर लेने हैं बड़े वाले। इसको हल्का सा मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध, ये उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध है। अब हम डालेंगे आधा कप चीनी, इसे मिक्स कर देते हैं। चीनी पिघलने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। चीनी पिघल चुकी है, अब हम इसमें खोया ग्रेट करके डालेंगे। लगभग 150 ग्राम खोया है। बारीक कटे हुए बादाम, इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे एक कम से कम 15 मिनट तक धीमी आंच पर हम पका लेते हैं। तब तक के लिए हमें राह देखनी है और इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। गाजर हलवा हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। स्वाद के लिए इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, इसे मिला लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसे गार्निश करते हैं बारीक कटे बादाम से। हमारा गाजर हलवा तैयार। गाजर हलवा ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और दोस्तों का मुंह मीठा कीजिए और नए साल में टेस्टी सफर देखते रहिए।